मेरा दिन शुरू होता है वॉक करने से। ये अब मैं वॉक पे निकला हूँ, मैं वॉक बाइक पे करता होता हूँ। ये परिंदे हैं, ये भी शायद मेरी तरह वॉक पे आए। सर्दी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर दरख्त पे ऐसे ही है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। सर्दी की वजह से मैंने आग जलाई, बल्कि हर व्लॉग में आग जलाई आग जलाई। व्यूवर्स भी कहते होंगे हर व्लॉग में आग जलाई, आग लगे साग को हर वक्त जल रही है। क्या शेर बनाया, आग लगे साग को हर वक्त आग जल रही है। सर्दी की वजह से मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है, तो मैंने नहा लिया। नहा के निकलूँ तो पता चला कि गर्मियों में अगर बुखार हो तो नहाते हैं, सर्दियों में नहीं। उसके बाद मुझे नज़र आ गए स्टूडेंट्स और मेरे कज़न को, उनको पढ़ाने सॉरी मारने का मौका मिल गया। तो हमेशा सच नहीं बोलती है सान। मार मार के मैं भूख लग गई, तो हम होटल गए। हमने वहाँ से चिकन मंगवाया और देसी लोगों की तरह साथ चाय और चुस्कियाँ ले लेके पिया। वापसी पे धुंध हो गई थी, तो मैंने अपने कज़न से कहा कि तुम चलाओगे, ये हैं जी हम दो हसीन नौजवान। जैसे सर्दी लगने पे मैं नहाता हूँ, वैसे ही जुकाम लगने पे हमने कोल्ड ड्रिंक ली और ये हजरत रस्ते पे ही कोल्ड ड्रिंक करा के आ गए। ये हैं जी जनाब मनोज, बोतल फेंका है रस्ते पे। यार पता ही नहीं चला, पीछे तो बैठो सर्दी, पता नहीं चला। अंतर मंतर रस्ते पे गिरा के अंतर मंतर। दरअसल ये मेरे साथ प्रैंक हुआ था, लू का पट्टा, लू का पट्टा। और जनाब ने रखी भी गांड डस्टबिन में। जा हुजूर साहब कह रहे हैं मैं गिर गई है रास्ते पे, और मैं भी कितना सा जा तू वापस आ। अच्छा बच्चा। फिर बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और हमारा व्लॉग समाप्त हुआ।